अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनहांस्ड कीबोर्ड। इससे पहले हमने अपनी लेक्चर ग्रेड 2 की सीरीज़ में थोड़ा सा कीबोर्ड को टच किया था, लेकिन हम अपनी इसी सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द एनहांस्ड कीबोर्ड। ठीक है, अब ये जो कोर्स है ये सारे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हम इस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो एनहांस्ड कीबोर्ड्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे कीबोर्ड्स जिनमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं। ठीक है, अ कीबोर्ड हैविंग सम एडिशनल कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड एनहांस्ड कीबोर्ड्स। नॉर्मली इन कीबोर्ड्स में क्या होता है, आपकी जो कीज़ हैं वो टोटल 101 तक या 102 तक एक्सीड करती हैं। ठीक है, इन कीबोर्ड्स को क्या कहते हैं? एनहांस्ड कीबोर्ड्स। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे इस सीरीज में? कुछ मेन कीबोर्ड जिनमें से हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड कमांड कीज़ आती हैं। देयर आर सम न्यूमेरिक कीज़ जिनमें हमारे पास 1, 2, 3 काउंटिंग्स आती हैं। सम फंक्शन कीज़ F1, F2, F3 एंड अप टू F12। ओके, इनके हम अलग अलग सबके फंक्शंस देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड सम एडिशनल कीज़ लाइक एरो कीज़, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन एक्सेट्रा। ओके, फर्स्ट वन इज़ मेन कीबोर्ड। हमारा मेन कीबोर्ड क्या होता है, हम पहले इसको देखते हैं। ओके, हम इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन साथ साथ करेंगे ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ये तो है हमारे पास एक कीबोर्ड। ठीक है, इस तरह का कीबोर्ड का एक इंटरफेस होता है। अब इसमें इस लेआउट को क्या कहते हैं हम? क्यूवर्टी। ओके, इस लेआउट के कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं कि ये क्यूवर्टी कीबोर्ड है। अब इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं एंड कुछ एडिशनल कीज़ हैं लाइक एंटर, शिफ्ट, देयर आर सम फंक्शन कीज़, सम करेक्टर नंबर्स एंड दीज आर सम इंसर्ट, होम पेज एंड डिलीट। हम इन सब कीज़ को कवर करेंगे अपनी इस सीरीज़ में। ठीक है, तो फर्स्ट आज के दिन हम क्या देखते हैं? अपने क्यूवर्टी इन अल्फ़ाबेट्स को, अपनी टैब, शिफ्ट, कंट्रोल कीज़ को, कि ये करती क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज़ क्या करती हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक अपना कीबोर्ड ओपन कर लूँगी ऑन द स्क्रीन। ओके, अब अल्फ़ाबेट कीज़ क्या करें हैं? दीज आर माई अल्फ़ाबेट कीज़। ओके, जब मैं इन अल्फ़ाबेट कीज़ को प्रेस करूँगी तो क्या होगा, मैं जो भी स्क्रीन पे, ठीक है, जो भी कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूँगी विद द हेल्प ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स D, 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 ओके, तो क्या हो रहा है, मेरी ये कीज़ एज इट इज़ करेक्टर टाइप कर रही हैं। उसके बाद मेरे पास हैं कुछ नंबर कीज़। ओके, व्हेन आई प्रेस दीज नंबर कीज़, ओके, आई विल प्रेस 1 and 4। ओके, तो क्या हो रहा है, मेरी नंबर्स का डेटा एंटर हो रहा है। ओके, ये तो हमारे पास थे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स। अब अगर हम देखें कैप्स लॉक, कैप्स लॉक क्या करता है, व्हेन आई प्रेस दिस कैप्स लॉक, तो क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा कीबोर्ड कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो मेरी ABC पहले, जो भी मेरा डेटा पहले शॉर्ट में लोअर केस में एंटर हो रहा था यहाँ इस जगह पे, वो क्या होगा, मेरा अपर में एंटर होगा। ठीक है, कैप्स लॉक को ऑफ किया जब, तो मैंने क्या हुआ, दोबारा से वो सारे लेटर्स क्या हुए, लोअर केस में शिफ्ट हो गए। ओके, नाउ शिफ्ट कीज़। ओके, शिफ्ट कीज़ और कंट्रोल कीज़, ये कीज़, ये आपके पास ऐसी कीज़ होती हैं, ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट कीज़, जो इटसेल्फ कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरी कीज़ के साथ इकट्ठा जब हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो तब ये कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगी। अगर हम देखें, ठीक है, शिफ्ट को और शिफ्ट के साथ A को प्रेस करें, ठीक है, आई प्रेस शिफ्ट प्लस A, मैंने शिफ्ट को ऑन रखा एंड देन मैंने प्रेस किया A, तो क्या हुआ, मेरा एक एक लेटर कैपिटल होता जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट की इसको अगर मैं प्रेस करी रखूँगी, ठीक है, व्हेन आई विल होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन आई विल प्रेस सम अदर की, तो क्या होगा, मेरा एक सिंगल करेक्टर जो है वो कैपिटल होगा। नाउ लेट्स सी, अगर मैं को इस 1 के साथ प्रेस कर दिया तो कैन यू सी द इम्पैक्ट, विदाउट शिफ्ट क्या हुआ था, मेरे नीचे के अल्फा नंबर्स प्रिंट हो रहे थे। ठीक है, जब मैंने इसको शिफ्ट की के साथ किया, जब मैंने इसको शिफ्ट की के साथ किया तो क्या हुआ, मेरे पंक्चुएशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, इन ये सब प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद देयर इज अ टैब बटन। ये टैब बटन क्या करता है, मेरी टैब स्पेस एड करता है। ओके, जब मैंने स्पेस बार प्रेस किया
तो मेरी क्या हो रही थी, वन बाय वन करेक्टर एंटर हो रहा था, लेकिन जब मैंने टैब किया तो टैब स्पेस एंटर हो रही थी। नाउ मैंने प्रेस दिस डेल बटन, ओके, तो डेल क्या करेगा, राइट साइड जो भी डेटा है उसको डिलीट करेगा। एंड मैंने प्रेस दिस बैक स्पेस बटन, तो क्या करता है, जो भी मेरी लेफ्ट साइड पे है वो डेटा डिलीट करेगा। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन सी यू एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।